हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 300 प्रश्न हमने कर लिए थे। इसके पहले मैंने जितने भी क्लासेस करवाई, अगर आपने नहीं की तो जाकर क्लासेस सारी देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट में सारी ऐड की हुई हैं, वहाँ से आप सारी क्लास देख सकते हैं। इस समय आपका SSC CGL NTPCS जिस चीज़ का आपका लगा हुआ पेपर, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका पहला, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो हर साल जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो मनाई जाती है आपकी 31 अक्टूबर को, ठीक है, 31 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित एंथूरियम उत्सव, ठीक है, एंथूरियम उत्सव, अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके SSC CGL वगैरह के लिए, ठीक है। SSC MTS का आपको जो पेपर लगा है, SSC MTS हवलदार का, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। दिवस भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो एंथूरियम जो उत्सव है, ये आपका किस राज्य में मनाया गया, तो ये मनाया गया आपका मिजोरम राज्य में, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। हरिमऊ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में, ठीक है। सबसे पहली बात कहाँ पे हुई, उमरोई छावनी में, और ये उमरोई छावनी आपका पड़ता है मेघालय में। तो यहाँ पे हरिमऊ शक्ति 2023 का आयोजन हुआ है। ये भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो ये आपका हुआ है मलेशिया और भारत के बीच हरिमऊ शक्ति, ठीक है। अगला है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपनी राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया था। तो राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया था किसे, राष्ट्रीय आयकर नियुक्त किया था राजकुमार राव को, ठीक है, राजकुमार राव को किया था। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये RK गोयल की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में जो रह रहे अवैध विदेशी थे उनकी जानकारी के लिए समिति का गठन किया गया RK गोयल की मौजूदगी में, ओके। अगला है, देश के पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ये आपका बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, पहला देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय होने वाला है, ठीक है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में बनेगा। अगला प्रश्न है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है। तो सागर से सारांश जो विकसित किया है, ये किया CBSE बोर्ड ने, ओके, CBSE ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है, किसने किया है, ये किया है आपके श्रीलंका ने, ठीक है, श्रीलंका ने किया है भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा, ठीक है। IQAR के अनुसार, ठीक है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है IQAR के अनुसार। तो दुनिया का सबसे जो प्रदूषित शहर हो गया है वो है आपका दिल्ली, ठीक है। अगला प्रश्न है, जूनीपर ब्रज इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये ध्यान में रखेंगे। जूनीपर ब्रज को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य ब्रज घोषित किया गया। तो जो जूनीपर ब्रज है, ये आपका लद्दाख का राज्य ब्रज घोषित किया गया है, ठीक है, लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये जीता है मैक्स वर्स्टपन ने, ठीक है, मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डैप डी अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये आपका किया गया है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच लॉन्च किया गया है। तो डीजी कवच ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ये आपका किया गया था गोवा में किया गया था, ओके। अगला है, हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक, यानी जिसे आप डीजी कहते हैं, तो मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला डीजी कौन बनी है।
ये बनी है आपकी साधना सक्सेना नायर। ओके, साधना सक्सेना नायर। अगला प्रश्न है आपका, यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? अरिंदम बागची। ठीक है, अरिंदम बागची। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत आपका, भारत 64वां स्थान पे रहा है। ठीक है, किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये होगा वानिंदु हंसरंगा, श्रीलंका के रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा शुभमन गिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शुभमन गिल। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में, किस महापुरुष के जन्मदिन पर? तो ये आपका हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर यूरोपीय संसद ने किसे साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो साखारोव पुरस्कार है ये आपका सम्मानित हुआ है जीना महसा अमीनी को दिया गया। ठीक है, जीना महसा अमीनी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 111वां जो रैंक है वो मिला है। ठीक है, चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? इम्पॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो नादा हब्बा जो उत्सव है ये आपका मनाया गया है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य से संबंधित मानेंगे आप। क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो क्लॉडिया गोल्डिन को ये मिला है आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा सुजानगढ़ कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ये हो गई है 53 हो गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल नाम है, इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? इसको बनाया गया प्रोजेक्ट 15B। ओके, अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें जीते हैं 107 पदक। ठीक है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया था उन्होंने 91वां अपना स्थापना दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश के लेखक जॉन ओलावा फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन ओलाव फॉस ये किस देश के रहने वाले हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये रहने वाले हैं नॉर्वे के। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मोंगी जी बावंडी, लुइस ई ब्रश और अलेक्सी आई एकिमो को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी सुधा मूर्ति। ओके, अगला प्रश्न है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने शाफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है, तो उसका नाम है ज़ीलैंडिया। ठीक है, जो 8वां जो महाद्वीप खोजा गया है उसका नाम है ज़ीलैंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 3000 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? तो ये बन गई है आपके नेपाल। ठीक है, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है कौन? ये बनी है आपकी प्रमिला मलिक। ओके, अगला प्रश्न है, वीरांगना दुर्गावती, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? ये आपका बन गया है 54वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, जीतने वाले पहले रेसर कौन बने हैं? ये हैं आपके
मार्को बेजेची, बेजेची, ओके मार्को बेजेची। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चैन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? ये दी है जापान के साथ, ठीक है। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? डिस्कस थ्रो में जीता है नीरज यादव ने, ठीक है नीरज यादव। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जिसका नाम है हामून, ठीक है एक मिनट, हामून, तो हामून किस देश ने इसका नाम रखा है, ठीक है हामून जो नाम रखा है ये किस देश ने रखा है, ये रखा है ईरान ने, ठीक है हामून जो है ईरान ने रखा है, एक मिनट ईरान, ओके। अगला है, भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है? तो ये किया गया है अशोक गॉडगिल को, ठीक है अशोक गॉडगिल। अगला प्रश्न है, अगला है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन में, ठीक है, तो ये जीता है किसने, ये जीता है उन्नति हुड्डा ने। अगला है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन ने जीता है? ये जीता था असम राज्य की महिला बैडमिंटन ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसमें जीता था शैलेश कुमार ने। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन चक्र सेकंड किस केंद्र एजेंसी द्वारा चलाया गया? CBI के द्वारा, ठीक है चक्र सेकंड CBI के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया? तो भारत की पहली रीजनल रैपिड को नमो भारत नाम दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली, ओके। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है, ठीक है, तो ये की है, उन्होंने शुरू की है होप इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी की है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। PM नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान थर्ड पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? अपना चंद्रयान ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? पहले तेलुगु एक्टर कौन है? तो ये थे आपके, एक मिनट, हाँ तो ये होंगे आपके जो है अल्लू अर्जुन हो जाएंगे, ठीक है। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? 150 रुपए बढ़ा दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है आपका रॉकेटरी द नाम भी इम्फैक्ट ने, इफेक्ट, ओके। अगला प्रश्न, विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया था इन्होंने वियतनाम में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का जो आयोजन है ये किया गया था आपका कहाँ पर? तो ये किया गया मुंबई में। रक्षा मंत्रालय ने INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया?
ये किया था इन्होंने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। अगला प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। चौथे एशियाई पैरा खेलों का जो आयोजन है ये किया गया आपका चीन देश में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल ओलंपिक में शामिल किया है। तो क्रिकेट भी शामिल है, स्क्वैश भी है, बेसबॉल भी है, यानी यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वनडे क्रिकेट। ओके एक मिनट, वनडे क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जो बने हैं वो बने हैं आपके रोहित शर्मा। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है ये वियतनाम में ही, तो वियतनाम में ही रविन्द्रनाथ टैगोर का और महात्मा गांधी दोनों का ही किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया जो अभियान था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था ऑपरेशन अजय। ठीक है, ऑपरेशन अजय नाम था। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है। नीरज चोपड़ा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल ओपन चैम्पियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो ये बनाया है आपका मणिकांत एच होबली धर ने। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन है। उसमें आपका आ जाएगा NTPC। ठीक है, अगला प्रश्न है, G20 पार्लियामेंट में स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया। ये आपका किया गया नई दिल्ली में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी की गई है। अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। ये किया था आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने। ओके, अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है। युवा यानी मेरा युवा भारत के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है। तो भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए जो रोड मैप तैयार किया है वो किया है 5 साल के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है। अनुसूचित जाति के लिए। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के लिए अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है। तो ये किया है उन्होंने 449 स्थलों के। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया। ऑपरेशन आयरन श्वार्ड नाम दिया था। हुरून इंडस रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है। सबसे अमीर भारतीय हैं मुकेश अंबानी। ओके, अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। 28 गोल्ड मेडल जीते थे। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है ये आपका किया गया था कोची में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। नरगिस मोहम्मदी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो स्पिनोजा पुरस्कार से डॉक्टर ज्योता गुप्ता को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल और
हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? ये जीता स्क्वैश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट यानी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी अनु रानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे अनु रानी के बारे में। ओके, अगला प्रश्न है, फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? तो ये किया है इन्होंने अजय जडेजा को। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो यहाँ यूएसए हो जाएगा। ठीक है, यूएसए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्व अनुमान लगाया है? तो ये लगाया था 6.30%। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये कैमूर में किया जाएगा। एशियाई खेलों में पहली महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? ठीक है, तो ये बनी है आपकी डी मनिका बत्रा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? ये दिया है फेडरल बैंक में। ठीक है, जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये हुआ है आपका सिडबी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 40वां है। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो ये करेगी आपकी गूगल कंपनी। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? तो ऑस्कर के लिए आपका आ जाएगा 2018 एवरीवन एज अ हीरो। ठीक है, अगला है, T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया था? तो ये बनाया था दीपेंद्र सिंह एरी। ओके, अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सब खबरों में रहा झूलाघाट सस्पेंशन जो ब्रिज है, इसका संबंध किन दो देशों से है? भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो खान सर को सम्मानित किया है बिहार केसरी से। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 100 आज के प्रश्न। ठीक है, हमने टॉप 100 प्रश्न किए हैं और डेली 100 से ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि अभी जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है हवलदार का, तो वो भी आपको कवर करनी है। तो इस तरह आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। और अभी हमने 400 कर लिए, तो आपके 300 और बचे हैं, 3 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल के लिए आपको, मतलब इस क्लास के लिए चैनल से जुड़ना है आपको सबसे पहले, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जितने भी मैंने क्लासेस करवाई हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ जाकर अपने प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वहाँ से सारी अपने ख़त्म कर सकते हैं जितने भी आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगी क्लास आपको। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।